हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अब बीपीएससी के एग्ज़ाम में मैथ्स नहीं रहता है, तो ये मान के सब लोग तैयारी कर रहे थे। इवन बीपीएससी के लिए जो दरोगा का एग्ज़ाम होना है, अदर एग्ज़ाम्स होना है, टीचर वाले भी लोगों के बहुत सारा यूट्यूबर्स के बहकावे में आ करके मैथ्स और रीजनिंग तो छोड़ ही दिए थे। हम लोग के सेंटर पे जो लोग आ रहे थे, बस यही चीज़, सर टीचर वाला तैयारी करना। हमका ठीक है, मैथ्स का ये टाइम है, रीजनिंग का ये टाइम। सर मैथ्स रीजनिंग नहीं, कितना आता ही है, 4-5 क्वेश्चन। हमारे सर बोले हैं जीके वाले के 5-6 क्वेश्चन रहेगा, 7 क्वेश्चन रहेगा, और गारंटी तो यहाँ तक टीचर वालों ने दिया या यूट्यूब पर, यही आएगा जो बता रहे इतने ही में से आएगा। कौन कौन मैराथन कोर्स है, तो ये टारगेट बैच है, तो ये है। लेकिन क्वेश्चन उन सबों से, इन लोगों ने उस पर भरोसा किया, आज उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि 30+ क्वेश्चन जिसमें 25+ मैथ्स के ही क्वेश्चन थे। और आज के क्लास में हम लोग ये देख रहे हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन कैसे थे और कितना आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था अगर हम थोड़ा कहीं भी पढ़ाई किए रहते तब। तो लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन से हो जाएगा, नहीं, ये ऑनलाइन से क्लासेज नहीं हो पाता है, खासकर मैथ्स का क्लास नहीं हो पाता है। तुम जीके कर लो, हालांकि वो भी बेकार होता है, जो इंटरेक्शन क्लास में होता है ना, वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। ऑनलाइन में हम एक साथ बहुत सारा काम करते रहते हैं, ऑफलाइन में तो इधर उधर करोगे तो सर पकड़ लेते हैं। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफलाइन में बनता है वो ऑनलाइन में नहीं बनता है। तो पैसा बचता है ना, ऑनलाइन में 200-300 में मिल जाएगा कोर्स, ऑफलाइन में 5,000-7,000-10,000 देना पड़ता है। पहले हम लोग बात ये करें कि कल के एग्ज़ाम्स में जो जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, पहला 73 नंबर, दो संख्याओं का योग 480 है, बड़ी संख्या में 2% की। देखो 480 सम है, उसका योग है 480। तो एक संख्या मान ले x, तो दूसरा क्या होगा जी, 480 माइनस एक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ी संख्या में 2% की कमी, तो 98 हो गया। 500 लिखने का मन है तो लिखो, नहीं मन है तो मत लिखो। और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि, तो 110% हो गया। ये भी 500 लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। अब क्या हो गया, ये 98x बराबर 110 गुना 480 माइनस 110x, ये इधर आएगा तो देखो तो क्या हो जाएगा, 208x बराबर 110 गुना 480, और x बराबर कितना, 110 गुना 480 डिवाइडेड बाई 208। लग रहा है कि 16 से ये भी कटेगा, ये भी, तो कट दीजिए 16 से 16 इकाई 16, 4 पर 8, 16 तिया 48, ये 16 तिया 48, ऊपर 11 तिया 3300 और नीचे 13, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। अब जिनको आइडियाज नहीं है, मैथ्स नहीं पढ़े हैं, परसेंटेज नहीं पढ़े, तो उनसे तो पक्का नहीं बनेगा। अब कुछ लोग सर तुक्का मार लिए हैं, तो आप पढ़े हो तो ठीक है, तुक्का मारने से ये क्वेश्चन, अब देखो ना कितना ऑप्शन भी कैसा दिया है। पहली बार ऐसा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, मतलब एक क्वेश्चन का एक से अधिक आंसर होगा, यानी हर एक, आप एक पर आकर नहीं रुक सकते, सबको ऐसे देखना है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। पहले चार ऑप्शन रहता था, देख के टिक लगाते थे, अब वो ऐसे नहीं है, यानी हर एक पर जाकर आपको सोचना भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, दो 120। लग रहा है कि आधा हो गया, आधा है भी, आधा है भी, तो ये 240 120, तो ऐसे कहीं आधा है, या चलो आधा है, तो ऐसे सीरीज जाता है, तब तो ये 1 होगा, ये 1.5 होगा, ये देखो तो 2 गुना है क्या, 2 है,
तो ये 2.5 गुना है, यानी ये 120 है, एक से गुणा किए तो ये भी 120। कितना इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है, ये प्रयागराज है प्रयाग, और कहाँ जा रहा है, पटना, 3 4 5 ये पटना का। और आगे क्या कह रहा है, पटना से प्रयागराज होते हुए, पटना सॉरी पटना होते हुए प्रयागराज से जाना कहाँ है, कोलकाता, इसका क्या है 4। अब बताइए, यानी इसको भी यहां से इस वे में जो जाएगा उसको भी 4 तरीका, ये जो जा रहा है इसको भी 4, इस तीसरे रास्ते से इसको भी 4, चौथे रास्ते वाले के लिए भी 4, क्योंकि पटना होके ही जाना है, और पांचवे के लिए भी 4, यानी 5 गुना 4 टोटल कितना रास्ता, 20 रास्ता। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई r² है। नो डाउट कि बीपीएससी ने थोड़ा मेंटेन किया, थोड़ा बढ़ाया है, हो सकता है दरोगा वगैरह के भी एग्जाम में इंग्लिश इस बार से डाल दे, मैथ्स तो रहेगा ही, जितना ही सब सर पीटी हो जाएगा ना तो मेंस देखेंगे, दो तो तीन क्वेश्चन तो रहता ही है, छोड़ देंगे दो तीन क्वेश्चन, कौन मैथ्स पढ़ता है, तो पीटी निकाल लो, अगर गलती से वहां नहीं रहा तो मेंस में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है क्या होता है, πr² और ये बराबर है 40 πr² πr², यानी 1 π 1 π कैंसिल, तो r बराबर क्या होगा, √40π होगा या नहीं होगा, √40π। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले यानी जो रेडियस है वही साइड है किसका, स्क्वायर का, और स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो ये साइड है, ये क्या है साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ किसका, वर्ग का, तो क्या होगा, √40π का स्क्वायर, यानी 40π। मतलब तो देखने के साथ क्वेश्चन बनना था, क्वेश्चन का लेवल बहुत कठिन नहीं था। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या दिखा रहा था, वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है, पाई आर स्क्वायर मालूम है, आर निकल गया, अकारा जो आर है ना वो स्क्वायर का साइड है, तो एरिया पूछ रहा है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक स्मार्टफोन को 30 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, पी में बेच रहा है, विक्रय मूल्य पी, पी में बेच रहा है, अगर ये क्रय मूल्य होता तो फिर दिक्कत होता, ये कह रहा है क्या, पी में बेचने पे 10% का लाभ है, तो आगे, और क्यू में बेचने पर 4% की हानि, तो P और Q का रेशियो पूछ रहा है, चलो यहाँ P लिख देते हैं, यहाँ Q लिख देते हैं, तो P का आप जानते हो कि परसेंटेज SP बनाने के लिए, तो ये तो पहला वाला 110% होगा, और 110%, और दूसरा वाला 4% हानि है, मतलब 96%। अब क्या लग रहा है, परसेंट परसेंट तो हट गया, अब देखो क्वेश्चन, या तो ये 2 से कटेगा, 55 और ये 48, तो कह रहा क्या ये होगा, ये मिल गया कि ये होगा, कि ये होगा, कि डी होगा, कि ई होगा, तो हम देख रहे हैं ये भी है और ये भी है, मतलब ये दोनों में टिक नहीं लगाएंगे, उपर्युक्त में से एक से अधिक ये होगा। अब जो लोग जल्दीबाजी में बना, आज सर मिल गया था, क्वेश्चन देखिए कितना, एक आ जाओ, क्वेश्चन बड़ा नहीं था, क्वेश्चन तो एकदम देखने के साथ, अब जिसको समझ में, 30 रुपया में बेचने पर, तो 110 है, ये 96 है,
कितना बेवकूफ बनाते हैं जीके वाले टीचर लोग, ये पढ़ लो हो गया, ये पढ़ लो पूरा बिहार केवल जीके जीके जीके, कितना रटेगा ये जीके, बाबर की हुमायूं कब रटोगे? तो अगर यूनिक रट लिया, लूसेंट रट लिया, तो पूछ देगा बाबर नामा में से, हुमायूं नामा में से, तो जवाब जरूरी है, वहां से नहीं देगा। तुम जो चैप्टर मैथ्स में दिया, जो चैप्टर पढ़ लिए, तो उसी में से रहेगा स्कोर, तो यहाँ कर सकते हो, बाकी में स्कोर करके दिखाओ। 4 साल पढ़े जीके, हो सकता है एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बने। अब वो भी देखो ना, लोग इधर उधर पढ़ा रहे थे, करंट से ज्यादा क्वेश्चन था। हम फ्री में मंथली मैगजीन किरण पब्लिकेशन का आपको दे रहे थे फ्री में, क्या जो लोग टॉपर बन रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, तो उनको मैं दे रहा था। और उसके बाद भी आप लोग करंट मैंने जिन लोगों को मिला, तो वो अगर पढ़ रहे तो ठीक है, अभी कोई भी एग्जाम देने जाओ, उसका जो भी कलेक्शंस है किरण में वो बहुत अच्छा है, आप उसको पढ़ करके जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एडुकेशन शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सारे वॉवेल एक साथ हो जाए, ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड एजुकेशन बी अरेंज। एजुकेशन में सबसे पहले क्या देखना है, क्या कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वॉवेल्स एक साथ हो तो ढूंढो ना वॉवेल्स कितना है। पहला वॉवेल है ई, उसके बाद यू, ए, आई, ओ, कितना आया 5, मतलब बाकी कितना 4 वॉवेल्स, 5 तो ये बाकी, ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, पांचों को एक साथ मतलब एक बना दिए, तो 4 और 1 5 फैक्टोरियल 5, 5 को फैक्टोरियल 5 तरीके से सजाते हैं। फिर से देखो, ये 4 और ये सब मिलकर 1 फैक्टोरियल 5, और ये 5 है ये भी फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 मतलब 120 गुना 120, 12 का स्क्वायर 144, 20 ऑप्शन बी। जो लोग आपके घर वगैरह से या अगल बगल वाले दिए होंगे मैथ्स का क्वेश्चन का आंसर, बहुत सारे यूट्यूबर का देखा मैंने, क्वेश्चन भी गलत बनाए हुए हैं, अब सब वही सोच रहा है कि ये होगा कि ये होगा, जल्दी से बाजी में जैसे आप बना देते, पहला है मिल गया तो टिक लगा दो, दूसरा मिला तो उसमें टिक लगा दो, पता नहीं ये सिंपल है, अब पता नहीं ये कैसे लोग अलग अलग बनाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग के एग्जाम में एक कलर कोला एग्जाम में रहता है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, वो भी बैंकिंग के एग्जाम में रहता है और एसएससी में कभी कभार एक क्वेश्चन रहता है या रेलवे के एग्जाम में। यहाँ देखें क्या क्या है जी, 13/18, अगला क्या है 29/36, फिर क्या है 41/45, फिर क्या है 51/60, यही है। आरोही क्रम मीन्स होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर, आरोही असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर असेंडिंग, छोटा से बड़ा असेंडिंग, जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर या छोटा से बड़ा, ये तो कई ढंग से बनता है, या तो डेसिमल में बदल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर सेम कर लो, ये न्यूमिनेटर सेम कर लो। हम लोग को लग रहा है कि अगर डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें तो एलसीएम 180 हो जाएगा, 18, 36, 45, 60, 180 बना लो, 18, 180 कब बनेगा जी, 18, 180 कब बनेगा, जब इसको 10 से, तो यहाँ भी 10 से, ये 180 कब बनेगा 5, तो यहाँ भी 5, ये 4 तो यहाँ भी 4, ये 3 तो यहाँ भी 3। अब बताओ सब के नीचे 180 हो गया, सब 180 हो गया तो डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है, अब ऊपर जिसका बड़ा वो बड़ा, जिसका छोटा वो छोटा, तो ऊपर में देखो ये कितना आया
पांच नवा 45, पांच दुना 10, 4, 14, ये चार इकाई 4, 4 चौका 16, ये तीन इकाई 3, 3 पचे, मतलब सबसे छोटा कौन, उसके बाद इससे बड़ा कौन, दो नंबर। मान लो ये था फर्स्ट, ये है कौन सेकेंड, ये कौन थर्ड, ये कौन फोर्थ। सबसे छोटा फर्स्ट से बड़ा ये है सेकेंड, और इससे बड़ा फोर पहले, और सबसे बड़ा कौन थर्ड, यानी पहला कौन है 13/18, इससे बड़ा, इससे बड़ा ये, लेकिन इससे बड़ा ये, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा ये, यानी 41/45 लास्ट में, उससे पहले ये, यानी ऑप्शन सी। कुछ नहीं, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो और न्यूमरेटर से आंसर बता दो। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है, ध्यान से सुनना, अंडा को टोकरी में इस प्रकार रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर, यानी अगले दिन पर, नेक्स्ट डे, रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से रखे मौजूद संख्या के बराबर है। यानी आज अगर 10 है तो अगला दिन 10 और रख दिए तो 20 हो गया, उसके अगला दिन 20 और रख दिए 40 हो गया, उसके अगला दिन 40 और रख दिए 80 हो गया। ये कहना चाह रहा है, लैंग्वेज को पढ़ के देखो, यही लैंग्वेज लोगों को नहीं समझ में आ रहा था तो लोगों ने गलती किया। अब कह रहा है 24वें दिन पूरा भर जाता है, अब कितना कितना रखा कि 24 दिन में पूरा भर गया, तो क्या पूछ रहा है, 1/4 कब था। सब लोग अच्छे से देखना, 24वां दिन अगर टोटल भर गया, मतलब एक्स हो गया कंप्लीट, मतलब 23वां दिन जरूर एक्स बाई टू रहा होगा, तब ना इतना और डाले तो 24वां दिन एक्स हो गया। अरे जितना था उतना और डालोगे तब ये होगा, मतलब 22वां दिन क्या था, एक्स बाई फोर। क्वेश्चन वही पूछ रहा है, एक चौथाई कब थी, 22वां दिन। क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है और कितना आसानी से हम लोग पीछे से चल दिए, तुरंत बन गया, क्योंकि कह रहा है कि जितना है उतना अगले दिन और डाल दिया, मीन्स डबल हो गया, मतलब जस्ट पहले आधा, उसके पहले और आधा, यानी 1/4। अगला क्वेश्चन है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सी बेचने पर 6 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो पर असाइनमेंट का क्वेश्चन इस टाइप का है, 30 को बेचने पर 6 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, यानी माना विक्रय मूल्य एसपी 30 का 30, तो लॉस कितना 6, तो सीपी, देखो लॉस के केस में हमारा सीपी ज्यादा होता है, मतलब 36, तो कह रहा लॉस परसेंट बताओ, तो 6/36 गुना 100, 50/3, यानी 16.2/3%। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। ऑप्शन से देखें क्या, 4/36 अंकों का गुणनफल, 4/36 दो अंक की संख्या को, मैंने बताया अक्सर ऑप्शन से बनाते हैं, 4/36 सात या एक किसी नहीं होगा, 8/32 नहीं होगा, तब तक ये भी नहीं होगा, और ये भी अभी इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये चेक करेंगे भी होगा कि अभी तो एक के लाइन न पढ़े हैं कि अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दे, तो मान लो संख्या 49, 45 घटा दे, 4 बच रहा है, तो कह रहा अंक आपस में बदल जाते, कह रहा 94 हो जाएगा, कहाँ 94 हो रहा है, अंक बदल गए, मतलब 4-9 के जगह 9-4, मतलब आंसर क्या होगा, जो न्यूज़पेपर में न्यूज चैनल्स में छाया हुआ है कि मैथ्स एकदम परेशान किया, टफ पूछ दिया, बहुत लोग पता है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, 60% नहीं हो पाएगा, और क्यों नहीं हो पाएगा, यही मैथ्स के कारण। आइए मैथ्स क्या फूक मारने वाला मैथ्स है,
अगर आपने क्लास अच्छे से किया है तो। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, ऐसा केस में तो एकदम याद रहता है। देखो कुछ बनाओ चाहे नहीं बनो बनाओ, ये देखो ऊपर नीचे अगर ए से गुना करेंगे तो नीचे ए बी सी हो गया, ऊपर नीचे बी से अगर गुना करोगे तो नीचे बी हो गया, ऊपर नीचे सी से गुना करोगे तो नीचे भी सी हो गया। यानी ये अगर एल सी नीचे ए बी सी एल सी एम होगा तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर गुना है ए क्यूब, ये बी क्यूब और ये सी क्यूब। और बस केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो अगर ऐसा केस है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है थ्री ए बी सी। क्या होता है मतलब देखने के साथ आंसर में टिक लगा सकते थे, यानी इतना ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं थ्री ए बी सी और नीचे क्या है ए बी सी है, तो क्या होगा ये और ये। अलजेब्रा का ये फेवरेट क्वेश्चन आता ही है एसएससी के एग्जाम में, यानी देखकर जैसे ही इस पर नजर गया ना वो चीज है आंसर। अगला क्वेश्चन, चार का पावर एक्स प्लस वन, चार का पावर एक्स प्लस वन प्लस चार का पावर वन माइनस एक्स बराबर दस का हल है, करा इसको हल करने पे क्या आएगा। चार का पावर एक्स चार यहाँ है, इसका अर्थ है चार का पावर एक गुना चार का पावर एक्स प्लस चार का पावर एक गुना चार का पावर माइनस एक्स, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। जब बेस सेम होता है तभी पावर ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है। अगर हम चार का पावर एक कॉमन ले आया ना, चार को उधर ले जाओ, चार का पावर एक्स प्लस एक्स बराबर दस बटा चार यानी पांच बटा दो, बोलो यहां तक कोई दिक्कत। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसके बाद इसका हल क्या है, अगर x का मान क्या लें कि ये सॉल्व हो जाए, एक बटा दो लेके देखें क्या, बस हिट एंड ट्रायल। तो चार का पावर एक बटा दो मतलब रूट चार प्लस वन बाई रूट चार, तो ये तो दो आप प्लस एक बटा दो तो दो और आधा पांच बटा दो हो गया, सर नहीं है क्या। अगर हम जीरो लेते पावर तो ये नहीं होता, अगर हम ये ले माइनस तो भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा, ऑप्शन बी एक बटा दो। जहां फंसो हिट एंड ऑप्शन की ओर चले जाओ, इक्वेशन को सॉल्व करने से बचो। इक्वेशन जैसे ही मैंने कई बार बताया कि इक्वेशन में हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बनना चाहिए नहीं बनना, आप वहां से एकदम मूव करो इधर कि सर हम तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं केवल वैल्यू रख के। चलो अगला क्वेश्चन, इतना को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना और इतना है, यहां पे एक्स क्यूब है जी, देखो ना ध्यान से क्या है एक्स क्यूब और भागफल आया एक्स स्क्वायर, इसको किससे गुना करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा, एक्स से कि एक्स स्क्वायर से, तो मतलब ये नहीं होगा ये नहीं होगा। ज्यादा दिक्कत हो अब एक ही आंसर मिला, पहले तो ये दोनों छंट गया यानी ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म। अब केवल देखना है इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, वन पहले एक्स सबको कर लो यहाँ, तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स से किए ऐसे ही माइनस दो से कर लो तो देखो कि आंसर कौन सा आ रहा है एक्स माइनस। पहले ही छांटना भी सीखो कि कौन सा ऑप्शन लेके ये बन जाएगा, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक खिलौना एक शंकु आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्ध गोला पर चढ़ा है,
अर्धगोला ऐसा होता है और इस पर एक शंकु है। ये खिलौना है। अब क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब रेडियस कितना, 7/2। खिलौने की कुल ऊंचाई ध्यान से देखना, ये कितना है जी, 14.5। अब ये बताओ कि जब ये 7.5 है, 7 पूरा है ना, ये 3.5 है, तो ऊपर कितना बचेगा, 11। तब ना एक टोटल यहाँ तक 11, हाइट इसका 11, टोटल मिलाकर 14.5, ये 14.5 टोटल है, तो नीचे 3.5 हट गया तो ऊपर कितना, 11। अब तो आयतन पूछ रहा है, बताओ इस शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² प्लस अर्ध गोला का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³। दोनों के लिए r सेम है, तो सबसे पहले तो जो कॉमन हो जाए कॉमन ले लो, देखो 1/3 तो कॉमन होगा, पाई भी कॉमन, आर स्क्वायर भी कॉमन, यहाँ क्या बचा, और यहाँ तो 1/3, पाई का मान 22/7 और आर कितना है, 7/2 × 7/2, और यहाँ एच था कितना जी, और 2r कितना, 11/7 हो गया, कटेगा काट दो, 1/7 कट गया, 2 से 4 ये 11, 3 × 6 से ये 3, 21 × 11, 11 × 11, 11 × 22 और 1 × 23, 2 × 3 = 1। फिर से देखो, एक फिगर ये है और इसका आयतन क्या होता है, 1/3 πr², और एक फिगर ये है, बस वैल्यू बैठा दो। देखो कैसा कैसा क्वेश्चन टीचर में पूछा जा रहा है, तो सीजीएल यानी अब तो कम से कम तुम लोग बात समझ में आ रहा है। कुछ नहीं रहता है, तुम लोग ध्यान नहीं दियो, ऐसे ही पहले ही से पढ़े हुए, इतना भारी जीडी का तो और इजी होता है, सीएचएसएल इजी होता है, एमटीएस इजी होता है, वो सब तो कोई एक, मैथ्स का लेवल बहुत नीचे है, सीजीएल थोड़ा ठीक है, वो भी पहले से अब लेवल को, जो लोग आज भी पुराने टीचर्स है, सर वो बहुत बड़े टीचर है, उनसे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं होने वाला, वो जो पढ़ा रहे हैं अपना लेवल मेंटेन करने के लिए, अब उससे नीचे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, लगे रहो पढ़ रहे हैं। किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, दो गेम है, तंबोला है और रम्मी है, 320 रम्मी में और 350 तंबोला में और 220 दोनों में। अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सेट थ्योरी का ये फॉर्मूला है, और नहीं तो इसको वेन डायग्राम से भी ऐसे करके भी देख सकते हैं। तो ये क्या है कि इसका मान है 320, दूसरा का मान है 350, आ दोनों वाला है 220, घटा दो आंसर आ गया 450। तंबोला को इसमें डाल देना, गूगल पे सर्च कर लेना, आजकल गूगल बाबा ना सबका जवाब दे देते हैं, हम लोग का जरूरत कहाँ, हम लोग का जरूरत है हाँ सीक्वेंस में लेके कोई चले तो जरूरत है, आ नहीं तो बीच के लिए तो है ही,
दो वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से दो वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम मीन्स इनवर्स। वर्ष पहले ए का प्रेजेंट मान लो कुछ भी, ए का प्रेजेंट इज एक्स, तो बताओ ना दो साल पहले कितना और दो वर्ष बाद, हाँ या ना? इसका इनवर्स, इनवर्स व्युत्क्रम उसी को कहते हैं, वन बाई और ये वन बाई और दोनों का योग दिया हुआ है कितना। कहते तुम लोग को उतना समझाने के लिए लिख रहे, सीधा ये लिखना था। और पता है इसके बाद हम लोग बनाए जा, सर ये तो क्वाड्रेटिक आएगा, लेन दिया गया, अरे बेवकूफ, एक्स का मान ऑप्शन से रखना, एक्स बराबर चार रखे देखो तो पहला ऑप्शन वही है ना, चार में से दो घटा एक बटा दो, चार और दो एक बटा, दोनों को जोड़ दिया दो बटा तीन, ठीक लगा। नहीं दिखा तो ऐसे ठीक लगाओ, ऐ चलो, मतलब फंसना भी नहीं है, क्वाड्रेटिक जा रहा है, कुछ भी बड़ा हो रहा है, कौन इतना एलसीएम लेगा, भाग देते रहेगा, अरे चार नहीं होता सात रख के देखते, इन सब का तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, सब बहुत लोगों ने 60 डिग्री मारा है, बहुत लोगों ने 60 डिग्री मारा है, क्योंकि 60 डिग्री के नजदीक आ रहा है, 60 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मार दिया 60 डिग्री, इस पर नजर ही नहीं जा रहा है कि वो उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नन ऑफ दीज मतलब दशमलव के पांच छह अंक के बाद भी नहीं मिले तो आंसर नन ऑफ दीज होता है। सब अच्छा 60 के लगभग में आ रहा है, मारो ना, ये लगभग पूछ रहा है, कहां लिखा है कि नियरेस्ट त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है जी, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ऐसे होता है, कई जगह लोग अपना इसको गलत बनाया, सोच रहे हैं क्या सेक्टर मतलब ये तो ट्रायंगल है भाई, तो कुछ लोग माने हैं क्या कि सेक्टर मतलब ये, अरे यार ये सेगमेंट है, ये वृत्त खंड है, अब वो क्या लिखा है त्रिज्य खंड, त्रिज्या जो खंड में बांटे उसको त्रिज्य खंड और सेक्टर कहते हैं। तो बताओ यानी इसका फिगर कैसे होता, ये दिया हुआ है और ये क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर है कितना 102.7। तो बताओ थीटा पूछ रहा है तो 102.7 गुना 360, आर का मान मालूम है 14, आर स्क्वायर इधर आएगा तो नीचे जाएगा, 14 गुना 14 और पाई, पाई ऊपर में है ये भी नीचे आएगा, यहां 22 यहां 7, सॉल्व करोगे 60 पॉइंट समथिंग आएगा, एग्जैक्ट आ ही नहीं रहा है, तुम एग्जैक्ट में कैसे देख के ही लग रहा है कि कैसे काट दोगे, डेसिमल कहां जाएगा, कुछ ना कुछ बेवकूफ लोग अपना कैलकुलेशन में समय बर्बाद करते हैं। अब कुछ लोग देख रहे हैं कि इसमें डेसिमल नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और ये तो कह रहा है कि हम डेसिमल में भाई आएंगे, तो डेसिमल में आएंगे तो सीधा टिक लगाएंगे किस में, नन ऑफ दिस क्यों बनाएंगे, यहाँ हमको स्मार्ट टेक्निक भी सीखना है ना, कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को देखने के साथ, कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है तुम कैसे बता दे, वैसे इस सब पर डिस्कशन बहुत चलेगा क्योंकि सभी लोग को ये बीपीएससी वगैरह के टीचर या इधर उधर वो जो एसएससी वाले कंप्लीट है उनको ये नहीं मालूम कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि इसका मीनिंग होता है एग्जैक्ट दशमलव के बाद तीन चार अंक तक भी अगर नहीं मिल रहा है तो नन ऑफ दीज होगा, एग्जैक्ट एकदम मिलना चाहिए, इसलिए बैंकिंग के एग्जाम में तो रहता ही है, ये हर क्वेश्चन में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है, तिमाही दे है क्वार्टरली,
तिमाही मीन्स क्वार्टरली, और क्वार्टरली के केस में जो रेट होता है ना वो गिवेन रेट बाई फोर, गिवेन रेट बाई फोर, और जो टाइम होता है ना गिवेन टाइम, लेकिन ये ईयर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, ईयर में इंटू फोर, यही होता है बस उसके आगे। तो जो आप लोग को फॉर्मूला पता है, तो देखिए 16 बटा रेट क्या हो जाएगा, 16 बटा 4, और ये टाइम 9 माह मतलब 9 बटा 12 वर्ष इंटू 9 बटा 12 इंटू बोलो जल्दी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, और हम लोग क्या जान रहे हैं अमाउंट बराबर क्या होता है 156.25 इंटू रेट था 4%, 26 बटा 25 गुना 26 बटा 25 गुना 26 बटा 25, 25 का क्यूब। अब देखो याद है तो सीधा मारो ना कि 25 का क्यूब, और ये 26 का क्यूब 175.76, ये आ गया क्या अमाउंट, और सर पी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 156.25, घटा दो 1, 5, 15 से 6, 9, 1, 1951, 1951 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये अलजेब्रा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये क्या होता है सी बाई ए, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 और बराबर सी, पता है क्या होता है, देखो ये ए का मान, ये बी का मान, और ये सी का मान, क्वाड्रेटिक हो गया, तो के प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 के, 3 तिहाई 9 के बराबर के प्लस 8, 8 के बराबर 8 तो के बराबर 1, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लॉग का, हाँ जमाना बीत गया लेकिन सिलेबस में है, अच्छा लॉग रूट 2 है यानी 2 का पावर 1/2 है, और 32 है यानी 2 का पावर 5 है, जिन लोगों को याद है 5 आगे आता है, 2 जो 1/2 वाला 2 यहाँ आ गया इंटू लॉग 2 टू द बेस 2, और ये बराबर होता है 1, तो 5/2 गुना 1 यानी आंसर 5/2। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एकदम ध्यान से देखते हो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहा है, ये तो इसीलिए मैंने कट करके, थोड़ा आपका क्लास लेट हो रहा था, कट करके अभी डाला है, और उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, क्या कह रहा है हाइट जो है आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, आधार एक्स तो हाइट कितना है x-6 होगा या नहीं होगा, यानी दोनों और कर्ण जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं ये कितना है 218, अच्छे से देखना, हम लोग क्या जानते हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये, कुछ लोग क्या करते हैं इसमें टाइम बर्बाद करते हैं, मैं बताता हूं इक्वेशन आए तो ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन पे आ जाओ, दोनों में 6 का अंतर है, ओके या तो ये और ये हो सकता है 9, 6, 15, 5, 6, 11, अरे तीनों लग रहा है हो सकता है, तो किसके स्क्वायर का सम 218 है, बस हो गया, 10 का स्क्वायर 100 और 9 का 16 का स्क्वायर लास्ट में 6,
और जीरो आठ तो कभी नहीं होगा, हम लोग यूनिट डिजिट का सहारा ले रहे हैं, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं चल रहा है जी, ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो ये लास्ट डिजिट जीरो आता, ये लास्ट डिजिट छः आता स्क्वायर करने पे, तो ये छः आ रहा है जबकि यहाँ पे आठ है। तो इसमें देखें, नौ का स्क्वायर 81 और पाँच का स्क्वायर 5, ये भी 6, ये भी नहीं होगा। पाँच का स्क्वायर 5, एक का स्क्वायर 1, ये भी 6 आ रहा है, कोई नहीं होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे एकदम मैजिकली अगर हम लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट है तो कैसे उड़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ 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 हाँ, देख करके ही समझ में आ रहा होगा। 169 में 27 जोड़ दो, 196, इसका वर्गमूल 13, तो 196 का 14, यानी क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ दीजिए ना सर, बनाया जा रहा है सब बराबर, पता नहीं। अगला क्वेश्चन, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। अच्छा, एक एमएम में है मिलीमीटर, एक सेंटी में 10 एमएम होता है, इसको भी एमएम बना लो ना, ये 30 एमएम। और जब भी किसी एक सेप को दूसरे सेप में ले जाना तो वॉल्यूम सेम होता है, क्या सेप होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम, आयतन सेम, क्या सेम, आयतन सेम। अब बताओ पहले क्या था, गोला, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, खींचना है किसमें, तार, लंबा तार, बेलन, बेलन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ आर वन कर देते हैं, बताओ पाई पाई वहां आर क्यूब है 4/3, देखो ना ये आर वन है जी, 4/3, आर का मान 30 है, 30 गुना और ये बराबर आर वन, अरे ये व्यास है, ये क्या है, व्यास है, तो आधा रेडियस। देखो फंसाने के लिए क्या किया, कैसे कैसे दे रहा है, तो ये बराबर 2 गुना आ गुना एच, बताओ ये 4 और ये 4, 3 से ये 3 तिहाई 9 पर कितना 0, और ये एमएम मतलब 9 मीटर, टिक लगाओ 9 मीटर। जी हाँ, ये क्वेश्चन आया था जिसके लिए इतना हाहाकार मचा हुआ है कि मैथ्स, अरे मैथ्स तो डुबा रहा है, मैथ्स तो फंसा रहा है, बीपीएससी ने अनाउंस ऐसा नहीं किया था, और यही क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछा गया। तो आज यहीं तक।